हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नियो ज्ञान। देख सकते हैं हमारे आगे खड़ी हुई है हुंडई की सेंट्रो कार, और आज इस कार में लिटिल मॉडिफिकेशन होने हैं क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अंदर की देख सकते हैं सीट कवर वगैरह मैटेड बिल्कुल बेकार हो चुकी है। काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहा था मेरा फ्रेंड, तो आज फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कानपुर के हर्ष नगर पर। और यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा दुकानें सर्च करी हैं, उसके बाद मैं एक शॉप में आया हूँ। अभी उस शॉप को भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको, और पहले गाड़ी का पूरा बैकग्राउंड दे देता हूँ, गाड़ी की क्या कंडीशन है और क्या क्या काम होना है वो बता देता हूँ। गाड़ी पे सीट कवर, मैटिंग, फ्लोरिंग, स्पीकर और वायरिंग, और इसका पीछे बेस ट्यूब, इतना काम होना है। उसके बाद छोटा बहुत और काम होगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ, सागर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ये शॉप है, और यहाँ से हमने अपनी कार का पूरा काम करवाया है। तो चलिए अपनी कार में जो काम कराया है वो मैं आपको सामान दिखाता हूँ। ये कन्वर्टर है जो बेस ट्यूब और एम्पलीफायर के बीच में लगता है, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ JXL के ये स्पीकर है 4 इंचेस, इसको मैंने अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगवाया है। और आगे मैं आपको सीट कवर चेक करवाता हूँ, चेक करिए कितने का है भाई? 3। ये कार के स्टीयरिंग कवर हैं, इनको भी आप चेक करें, जैसे आपका इंटीरियर है वैसे आपके स्टीयरिंग कवर मिल जाएंगे। तो हमने रेड ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन रखा है, तो देखिए ब्लैक कलर के हम देख रहे हैं स्टीयरिंग कवर, और इनमें रेड कलर की एक लाइन दिए हुए हैं। तो फाइनली इन्हीं में से कोई एक, जो ब्लैक कलर का है तो इन्हीं में से कोई एक हम लोग स्टीयरिंग कवर अपना लगवाएंगे। आगे और कुछ आपको दिखाता हूँ, इसको चेक करें। ये एक फ्यूज है जो बैटरी और बेस ट्यूब के बीच पे लगेगा, जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए अब फटाफट से कार की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम होने वाला है गाड़ी पे। फाइनली देखिए हम कार के पास आ चुके हैं, और सामने खड़े हैं आकाश भाई, ये अपनी कार का काम करने वाले हैं पूरा। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करवाते हैं, और देखिए ये सीट कवर वगैरह निकालना चालू कर दिया है। कार में फ्लोरिंग होने वाली है, इस कारण से पहले सीटें इसकी बाहर निकाली जाएंगी, तो इसकी सीटें फटाफट से बाहर निकलवा लेते हैं, और उसके बाद आगे जो फ्लोरिंग का काम हो या सीट कवर का वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सीटें बाहर निकाल दी गई हैं, और मैं आपको एक बार अंदर की कंडीशन चेक करा देता हूँ। तो चलिए फटाफट अंदर की कंडीशन चेक करिए। अंदर कुछ एयर कंडीशन हो चुकी है गाड़ी की, बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती रही है, तो नीचे की फ्लोर काफ़ी गंदी है, इसके ऊपर पूरी फ्लोरिंग हो जाएगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं देखता हूँ क्या होता है गाड़ी पर। फाइनली सबसे पहले अपनी कार में सीट कवर लगना चालू हुए हैं, देख सकते हैं आप अपनी कार में जो सीट कवर है वो लगना चालू हो चुके हैं, और ये सीट कवर लग जाने देते हैं, और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तब तक आप सीट कवर लग रहे हैं, एंजॉय करिए वीडियो को। देखिए जो अपनी कार में JXL के स्पीकर लगने थे वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं, और इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे इनमें डैशबोर्ड पे छोटी सी जगह दिए हुए, तो ये देखिए ये जगह दी हुई है। देखिए अपनी कार में जो स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग है वो चालू हो चुकी है, और इसको चेक करें कैसी कंडीशन है, कैसी स्टिचिंग हो रही है। लेकिन वीडियो अभी कम से कम 4-5 दिन बाद डाले, अभी पुराना भी एक यहाँ का पड़ा है यार, वो अभी नहीं डाला है, तब तुम नहीं थे और कोई कर रहा था। देख सकते हैं आप स्पीकर की पूरी वायरिंग इसकी चेंज होने वाली है, पुरानी जो वायरिंग थी पूरी निकाल दी गई है, और यहाँ पर अब पूरी नई वायरिंग डाली जाएगी। देखिए राइट साइड का जो स्पीकर था उसको भी इंस्टॉल किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट ये हो जाने देते हैं, और मैं आपको आगे कुछ नया दिखाता हूँ। देखिए पीछे के सीट कवर भी इंस्टॉल हो चुके हैं, एक बार आप चेक करें क्या कंडीशन, कैसा लुक आ रहा है, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ नया होने वाला है। साथ ही साथ देख सकते हैं आप बेस ट्यूब की भी वायरिंग पूरी चालू हो चुकी है, क्योंकि बेस ट्यूब में एक प्लस का पॉइंट बैटरी के पास से पीछे जाता है। तो देखिए वही भाई चेक कर रहे हैं कहां से वायर को अंदर ले जाना है। तो चलिए फटाफट से आपको बेस ट्यूब की वायरिंग भी पूरी मैं आपको दिखा देता हूँ, और आगे वीडियो में देखिए क्या क्या होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो पर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको मिलते रहें।
चेक करें, प्लस का वायर यहाँ से डाला गया है। और दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर चल के कहाँ से निकाला जा रहा है इसको। मैंने आपको अभी तक बेस ट्यूब नहीं चेक कराया था, तो चलिए बेस ट्यूब चेक करा देते हैं। मोनो ब्लैंक कंपनी का है और ये 8 इंची का बेस ट्यूब है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा दूँ, इधर से कुछ ये डिजाइन है और दूसरे साइड इस पे देख सकते हैं एम्पलीफायर इनबिल्ट है, अलग से एम्पलीफायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको भी फटाफट लगवाते हैं। वायरिंग देखिए हो ही रही है, साथ ही साथ फ्लोरिंग के भी काम चालू हो चुका है। तो चलिए फ्लोरिंग और वायरिंग दोनों चीज़ हो रही है तो हो जाने देते हैं, इसके बाद आगे मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ। देखिए फ्लोरिंग लग रही है, एक बार आप चेक करें कैसी लग रही है। और प्रॉपर फिटिंग के हिसाब से ये बन के आई हुई है, पूरी जो सिलाई के साथ आई हुई है गाड़ी के मॉडल के हिसाब से। तो चलिए ये लग रही है, आप एक बार चेक करें बताएं कैसी है ये। भाई फ्लोरिंग जो फिटिंग है उसको चेक करें, बिल्कुल प्रॉपर लग चुकी है। और जो इसके ऊपर की प्लास्टिक वगैरह है उसको फिट कर रहे हैं। और आप चेक करें कैसी लग रही है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्लोरिंग अगर अच्छी लग रही है, आपको भी अपनी गाड़ी में लगवाना है तो ऐसे फ्लोरिंग लगवा लीजिए, जिससे कि पानी आनी आने के अंदर कोई समस्या रहती नहीं है और कुछ गिर जाए तो उसको गीला कपड़ा करके तुरंत साफ़ कर सकते हैं। देखिए फ्लोरिंग लग गई है और पीछे की सीट का इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, पीछे की सीट लगाई जा रही है और साथ ही साथ पीछे बेस ट्यूब की भी वायरिंग हो रही है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको पीछे ले चल के बेस ट्यूब की जो वायरिंग हो रही है उसको दिखा देता हूँ। और अपनी ये सीट देखिए पूरी अच्छी तरीके से टाइट की जा रही है। देखिए वेस्ट ट्यूब की जो वायरिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अगर चालू हो सकता है तो मैं अभी आपको वेस्ट ट्यूब चालू करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो के लास्ट में पूरा वेस्ट ट्यूब का एक बार चेकअप मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। देखिए अब अपनी कार की जो आगे की सीट बाहर निकली हुई थी उनको भी लगाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट से आगे की सीट भी लग जाने देते हैं और उसके बाद से जो मैटिंग का काम है मैटिंग डलवा के लमसम सम हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पहले सीटें लग जाने देते हैं, उसके बाद मैटिंग लगवाते हैं, उसके बाद मैं आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने ये रेड और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन के साथ थी मैट उसको पसंद किया है, तो ये मैटें हम लोग लगवा रहे हैं अपनी कार पे। अब आप पहले से और लास्ट में आप चेक करिए गाड़ी पे, देखिए सीट कवर और मैट स्टीयरिंग कवर जो लग चुका है रेड और ब्लैक, और स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग चेक करिए कैसी है। फाइनली अपनी कार का काम कंप्लीट हो चुका है और बिल वगैरह हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और बॉडी कवर भी एक साथ में हमने लिया हुआ है। और गाड़ी को थोड़ी सी क्लीनिंग कराने के बाद उसके बाद मैं पूरी गाड़ी का एक वॉक अराउंड देता हूँ और साथ में बेस ट्यूब चेक कराता हूँ और बिल भी दिखाऊँगा कितनी अपनी कॉस्टिंग लगी हुई है। फाइनली देख सकते हैं अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों को डॉगीज पे बैठ चुका तो बहुत ही गंदी हो गई है, हालांकि इसको अभी साफ़ कराएंगे। देखिए इसमें मैटिंग हमने डलवा लिया है और वीडियो बनाने में देर हो गई क्योंकि रात हो गई, थोड़ा सा गाड़ी का डैशबोर्ड जो गंदा था उसको क्लीनिंग के लिए दिया था, लेकिन फिर भी अभी सफाई नहीं कायदे से हो पाई है, ये सब अभी बाद में होगी। अभी फाइनल अपने गाड़ी का काम हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में, देख सकते हैं मैट वगैरह सब कुछ ये पड़ गई है, मैट हो गया इसका और हमने क्या क्या करवाया, सीट कवर हमने डलवाई है। सीट कवर ये देखिए दोनों सीट कवर कैसी डिज़ाइन लुक आ रहा है बताइएगा आप, और पीछे की सीट कवर भी देख लीजिए, पीछे ये मैट पड़ी है और मैट के नीचे आपको मैं दिखा दूँ इसके नीचे फ्लोरिंग पड़ी पूरी, ये देखिए गाड़ी देखिए धुल के आई है, अभी भी पानी इसमें पड़ा हुआ है
और लेकिन आते आते फिर थोड़ा बहुत गंदी हो गई, ये सब गंदा हो गया है तो उसको माइंड ना करिएगा। गाड़ी में ये सब कुछ पड़ चुका है। अभी मैं हालांकि आपको बिल भी दिखाऊंगा कितना क्या कॉस्टिंग आई है। पीछे अपनी गाड़ी में ये बेस ट्यूब लगा है छोटा सा मोनोब्लैंक का, और बहुत ही बढ़िया बेस दे रहा है। अभी इसका वॉइस भी सुना दूंगा, अब आपको मैं बिल दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको लगवाने जाना हो तो ये रहा है उनका सागर ट्रेडिंग कंपनी और इनका पता ये रहा, हर्ष नगर पे है। उसके बाद जो हमने स्पीकर लगवाया उसका 1 ईयर का देखिए वारंटी कार्ड मिला है साथ में, और जो पूरे सामान लगा हुआ है उसकी कॉस्टिंग क्या आई है। सीट कवर हो गया, उसके बाद फ्लोरिंग हो गई, उसके बाद मैटिंग हो गई, उसके बाद सीट कवर हो गया, उसके बाद डोर वाइजर हो गया, उसके बाद बॉडी कवर एक लेकर आए हैं हम लोग, वो रखा हुआ है अभी दिखा देंगे उसको भी। और उसके बाद वाइपर ब्लेड भी चेंज कराया था, स्पीकर आगे के जो छोटे 2 पड़े हैं 4 इंची स्पीकर हैं ये। उसके बाद ये क्या है, बेस ट्यूब है 4200 रुपये की, पूरी फिटिंग के साथ बेस ट्यूब पड़ा है। और ये वायर जो लगा है स्पीकर का 250 रुपये का वायर है, लेबर ने जोड़ा है 650 रुपये का, लेकिन फाइनली जो अपना हिसाब हुआ था 12,950 का, उसमें भैया ने 200 रुपये कुछ डिस्काउंट किया है। हमने काफ़ी कहा सुना तो उसके बाद उनने काफ़ी डिस्काउंट दे दिया है, 12,500 रुपये टोटल कर दिया है उनने, तो इतना हमने उनको पेड कर दिया है। और बाकी सामान वामान हमको सब कुछ अच्छा लगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और आप भी वीडियो देखिए तो बताइएगा क्या कमी लगी क्या नहीं लगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं। फाइनली आपको बेस ट्यूब की भी आवाज़ में सुना देता हूँ कैसा बेस ट्यूब का साउंड है, और नॉन कॉपीराइट मैं आपको गाना सुनाता हूँ क्योंकि ऐसे गाने में कॉपीराइट का भी आ जाएगा। फ़ैन बंद कर देता हूँ, अभी फ़ैन की आवाज़ कुछ आ रही होगी इस पर, तो फ़ैन बंद कर दिया है अब, और मैं अब आपको गाना प्ले करके सुनाता हूँ। मोबाइल से इसका वॉइस फुल है। कैसा साउंड इसका लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। बेस ट्यूब बढ़िया लगा हो तो जरूर बताइएगा। बाकी आगे पूरा वीडियो देखिए, एक दिन इसका ओनरशिप रिव्यू भी साथ में आपको डालेंगे।